अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में बहुत से अमीर अमीर लोग मौजूद हैं, मगर आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर तरीन खुफिया खानदानों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 9, कासिम दादा एंड फैमिली। दोस्तों इस लिस्ट में 9वें नंबर पर कासिम दादा एंड फैमिली आती है। ये सिंध की एक मेमन फैमिली है जिसके खून में बिजनेस पाया जाता है। इनके खानदान का एक दौर में इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत बड़ा नाम था, मगर भुट्टो ने नेशनलाइजेशन करते हुए इनके बहुत से बड़े बिजनेसेस को रगड़ा रगा डाला। एक वक्त में कासिम दादा का बिजनेस इतना बड़ा था कि इनके ऑफिस पाकिस्तान के अलावा अरब अमारात, बर्मा और साउथ अफ्रीका में भी मौजूद थे। इस खानदान ने एक अरसे तक कराची स्टॉक एक्सचेंज पर भी राज किया। ये वो दौर था जब ये खानदान पाकिस्तान में 30 से भी ज्यादा बड़े बिजनेसेस के शेयर रखता था। इन बिजनेसेस में ब्रुक बॉन्ड, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन और बर्जर पेंट्स भी शामिल हैं। उस वक्त में कासिम दादा इतने अमीर थे कि सिंध से हैदराबाद तक अपने प्लांट्स देखने के लिए आते तो प्राइवेट जेट में आते। आज इस खानदान का नाम बिल्कुल खत्म हो चुका है, इस वजह से इस लिस्ट में ये 9वें नंबर पर आता है। आज इस दौर में इनके असासे सिर्फ $200 मिलियन तक रह गए हैं। नंबर 8, गुलाम हसन खान एंड फैमिली, नेटवर्थ $240 मिलियन। दोस्तों इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हमारे पास गुलाम हसन खान और फैमिली आते हैं, जो कि एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं। कंपनी की बुनियाद गुलाम एहसान खान ने 1960 में रखी। खानदान पाकिस्तानी रियल इस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, मीडिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, CNG स्टेशन जैसी जगहों पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। इसके अलावा रोजी TV चैनल भी इस खानदान की ही मलकियत है। हाँ, दूसरी तरफ हर खानदान किसी फ्रॉड या टैक्स ना देने के चक्रों में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ गुलाम हसन खान को नैब की तरफ से टॉप टैक्स पेयर का अवार्ड भी मिला है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस खानदान की नेटवर्थ $240 मिलियन है। 7, यूनस ब्रदर्स एंड फैमिली, नेटवर्थ $260 मिलियन। दोस्तों अगर आपने पाकिस्तान में यूनस ब्रदर का नाम सुना हो तो आपने लकी सीमेंट और ISI पाकिस्तान का नाम तो सुना ही होगा। पाकिस्तान में बहुत से खानदान पहले बहुत अमीर थे, फिर इसके हाथ से सब कुछ चला गया। यूनस ब्रदर की तरक्की का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। इनके दूसरे बिजनेसेस में लकी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, फजल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, अदून टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, यूनस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा लकी प्राइवेट एनर्जी लिमिटेड, अजीज ताबा फाउंडेशन, अजीज ताबा किडनी सेंटर, इसी तरह के कुछ और बिजनेसेस भी शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में किया मोटर्स का बिजनेस भी यूनस फैमिली की ही मलकियत में आता है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक यूनस फैमिली $260 मिलियन के असासे रखती है। 6, शाहिद हुसैन एंड फैमिली, नेटवर्थ $285 मिलियन। दोस्तों नंबर 6 पर मौजूद शाहिद हुसैन एंड फैमिली पाकिस्तान में सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन की मालिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े जूतों के ब्रांड्स शामिल हैं। पाकिस्तान में डॉन कार्लोस, चीता, स्कूज, टॉज एंड लिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो शाहिद हुसैन एंड फैमिली के बिजनेसेस हैं। अलावा दुनिया के सबसे बड़े जूते बनाने वाली कंपनी नाइक और कैटरपिलर के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी इसी खानदान के पास है। नंबर 5, नजीर फैमिली, नेटवर्थ $340 मिलियन। तो 5वें नंबर पर हमारे पास नजीर फैमिली आती है, मगर इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल नॉलेज पीपल को जरूर सब्सक्राइब करें। पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो 5वें नंबर पर फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली नजीर फैमिली आती है, जो की महमूद टेक्सटाइल मिल्स, मसूर टेक्सटाइल मिल्स, आसिम टेक्सटाइल मिल्स की मालिक है। ये बहुत लो प्रोफाइल फैमिली है और मीडिया के सामने आने से नहीं आते। 4, मियां अब्दुल्ला एंड फैमिली, नेटवर्थ $580 मिलियन। दोस्तों नंबर 4 पर हमारे पास दोबारा से एक ऐसी फैमिली आती है जो कि टेक्सटाइल के बिजनेस से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में मियां अब्दुल्ला एंड फैमिली मशहूर ब्रांड सफायर की मालिक है। 1865 में एक स्पिनिंग मिल से शुरू होने वाला ये बिजनेस आज 14 स्पिनिंग मिल्स पर बन चुका है। ये सफायर टेक्सटाइल मिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल है, जहाँ पर 16,000 से भी ज्यादा मुलाजिम काम करते हैं। खानदान मंगा के पास एक बहुत बड़ी सफायर डेयरी की भी मालिक, यहाँ पर 100 एकड़ के रकबे पर 10,000 से भी ज्यादा गायें मौजूद हैं। यहाँ से रोजाना 3 लाख लीटर का दूध निकालकर पूरे पाकिस्तान में बेचा जाता है। नंबर 3, नून फैमिली, नेटवर्थ $940 मिलियन। तो नून फैमिली एक जागीरदार फैमिली है, मगर ये एक जागीरदार फैमिली नहीं बल्कि ये सियासत में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। खानदान के लोग पाकिस्तान के टॉप के बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भी हैं। खानदान की सारी जायदाद जिला खुशाब में है।
दान इतनी ज्यादा जायदाद रखता है कि इसके अंदर 27 गांव आते हैं। इसकी जमीन पर 40 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं। फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले ये इस इलाके पर राज करती चली आ रही है। दूसरे जागीरदार खानदानों की तरह इस फैमिली ने अपने इलाके के लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये अपने जिला खुशाब के लोगों की खुशी और गमी में बराबर के शरीक होते हैं। पर ये वीडियो देखते हुए अगर आपका ताल्लुक भी जिला खुशाब से है तो इसके नीचे कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिए। 2 शराजी फैमिली नेटवर्थ 3.3 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों नंबर 2 पर मौजूद शराजी फैमिली पाकिस्तान के मशहूर एटलेट ग्रुप की मालिक है। ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर और बड़े ब्रांड होंडा एटलेस को ओन करता है। बिजनेस की बुनियाद फैमिली के हेड यूसुफ शराजी ने 1955 में 30 लाख से शुरू होने वाला ये कारोबार किस तरह से अरबों डॉलर तक पहुँच जाएगा ये किसी ने सोचा भी ना था। दूसरे बिजनेसेस में शामिल है एटलेस बैटरी लिमिटेड, एटलेस पावर लिमिटेड, एटलेस इंजीनियरिंग लिमिटेड, एटलेस कार लिमिटेड, एटलेस इंश्योरेंस लिमिटेड, एटलेस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, एटलेस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इसी तरह के 28 और बड़े बड़े बिजनेसेस भी शामिल हैं। तो आपको हैरानी होगी कि जब मशरिक पाकिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो एटलेस ग्रुप एकदम से बिल्कुल खत्म हो गया था। यूसुफ शराजी साहब की मेहनत है कि ये ग्रुप आज जिस स्टॉक एक्सचेंज पर 7 से भी बड़े बिजनेसेस पर रजिस्टर है, आज 12,000 लोगों को नौकरी भी फराहम कर रहा है। 1 अवारी फैमिली नेटवर्थ 7 बिलियन डॉलर्स। तो पहले नंबर पर पाकिस्तान का सबसे अमीर खानदान आता है जो कि कराची का पारसी खानदान है। अवारी फैमिली पाकिस्तान के मशहूर अवारी होटल्स की चेन की मालिक है। ये बिजनेसेस में पाकिस्तान में मौजूद 5-स्टार अवारी होटल्स और का मशहूर अवारी टावर भी शामिल है। खानदान इतना अमीर है कि इनके पाकिस्तान के अलावा अरब अमारात और कैनेडा वगैरह में भी होटल मौजूद है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 7 बिलियन डॉलर्स के लगभग है। पाकिस्तानी करेंसी 15,054 करोड़ रुपए बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए नॉलेज पीपल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास बने हुए बेल आइकन को क्लिक करके नॉलेज पीपल की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।